नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन और आज के इस टॉपिक के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं स्नैपमिंट से आप जीरो डाउन पेमेंट पर आप कैसे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या बाकी अदर गैजेट्स हों। तो कैसे हम परचेस कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारी जानकारी डिटेल इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं स्नैपमिंट जीरो डाउन पेमेंट क्या है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों पहले जानकारी ले लेते हैं 0% डाउन पेमेंट क्या है और इससे पहले जो प्रोसेस था वो क्या था। दोस्तों स्नैपमिंट पर जब आप परचेस करते हैं तो उसमें आपको एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। न्यू यूज़र है तो आपको एक बेसिक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको कोई ₹1000 का आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसमें आपको 100, 150, 200 रुपये ऐसा कोई भी एक डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है। वो डाउन पेमेंट आपको करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या फिर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो ईएमआई जनरेट होती है, देन वहाँ से आपका हर महीने की तारीख को वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कटेगी। तो ये तो होता है जो पहले प्रोसेस था जिसमें आपको एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती थी। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे जीरो डाउन पेमेंट पर आप कैसे परचेस कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, कहाँ से आपका ईएमआई डिडक्ट होगा, कब किस डेट में डिडक्ट होगा, ये सारी डिटेल जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए पहले हम चल लेते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चल लेते हैं और देख लेते हैं इसका लाइव प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। इसमें ओपन करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, आप अलग अलग कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट हैं आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेल भी चल रही है, आप सेल अगर देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जानकारी आप ले सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए अभी हम पहले चेक कर लेते हैं फ़ोन्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट कर दिया, इसमें सबसे पहला जो फ़ोन हमारे पास आ रहा है वो रियलमी का C53 है और यहाँ पर अलग अलग हमारे पास फ़ोन्स अवेलेबल हैं। तो रियलमी हमने सेलेक्ट किया था, रियलमी के जो भी फ़ोन्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा फ़ोन है जिस पर हम ज़ीरो डाउन पेमेंट पर परचेज़ कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल फ़ोन्स आ रहे हैं, आप इसमें से जो भी आप परचेज करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर रियलमी का 11X 5G यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिसकी जो कीमत है वो 15,999 रुपये है। दोस्तों इसमें ये मेरे को 0% पे नहीं दे पाएगा, यानी कि ज़ीरो डाउन पेमेंट पे नहीं देगा। उसका रीज़न है क्योंकि मेरी जो अप्रूव लिमिट है वो 16,471 रुपये है, तो उसमें ये प्रोवाइड नहीं करेगा, 10,000 से कम प्रोडक्ट में ही मुझे देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज़ीरो पे लॉक लगा रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन ओपन नहीं होंगे क्योंकि जो लिमिट है वो ज़्यादा है इसमें, ये 16,000 रुपये के प्रोडक्ट पे नहीं दे पाएगा। आपके केसेस में अलग हो सकता है, अगर आपके पास लिमिट ज़्यादा है तो उसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन मेरे केसेस में अभी ज़ीरो पे डाउन पेमेंट पे ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम देख लेंगे, तो अभी देख लीजिए मैसेज भी आ चुका है यहाँ पर कि आप 10,000 तक का जो प्रोडक्ट है आप परचेज़ कर सकते हैं डाउन पेमेंट पर। इसके लिए आपको एक जो पेमेंट है आपको करनी होगी वो कि 2,400 रुपये। तो ये हमें नहीं सेलेक्ट करना है, कोई और प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं जो कि बजट में होगा, उसमें हम चेक कर लेते हैं क्या ज़ीरो पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये 8,999 वाला हमारे पास रियलमी C51 आ चुका है सामने, अब यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, अब देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ज़ीरो डाउन पेमेंट का एक ऑप्शन है जो अवेलेबल हो चुका है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, अभी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं ज़ीरो डाउन पेमेंट पर आप मोबाइल परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, 3 महीने 6 महीने डिफरेंट ईएमआई हैं, आपको जो भी इसमें बेटर लगता है आप उसे सेलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे इजी रिटर्न का भी ऑप्शन है जहाँ पर आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये प्रोसेस, ये कुछ उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ईएमआईज का ऑप्शन है 3, 6, 9, 12, इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करनी है आप ये सेलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा रियलमी C51 डिवाइस के लिए, इसे कैसे आप कर सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए इसमें नीचे सारी डिटेल दी गई है, या फिर अगर आप इस प्रोडक्ट की और डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं टीवी अप्लायंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर टीवी मैं चेक कर देता हूँ टीवी पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम डेमो के तौर पर कोई एक टीवी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि अभी हमारे बजट में होगा, उस बजट टीवी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं 32 इंचेस के यहाँ पर टीवी सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वही बजट में होगा। यहाँ पर हमारे पास फॉक्स स्काई 80 सेंटीमीटर यानी 32 इंचेस का एक HD रेडी LED टीवी आ चुका है, इस पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस पर मैंने ज़ीरो पर सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर ज़ीरो डाउन पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करके आप इजीली आके
परचेज के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिलीवर टू दिस एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके पेमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, पहला ऑप्शन आप चेक कीजिए, सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा है ज़ीरो डाउन पेमेंट और नीचे आप यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी जो ईएमआई है वो किस डेट में आपका डिडक्ट होगी। और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप इसमें जो ऑटोमेटिकली जो आप पेमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि ये बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा, तो आप किस बैंक से आप करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन चाहते हैं। तो यहाँ पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और अदर ऑप्शन अवेलेबल है, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप अपना कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप इसमें एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, और बैंक की सारी डिटेल भरकर उससे भी आप डायरेक्टली ईएमआई कटवा सकते हैं। तो ये ऑटो पे का सिलेक्शन आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोनपे सेलेक्ट कर दिया है, कन्फर्म ईएमआई और पेमेंट पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, फ़ोनपे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑटो पे मैं क्लिक कर दूँगा तो ये ऑटो पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और हर महीने जो ईएमआई होगी हमारी वो एक डेट में कटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया है, आप इस केसेस में जैसे ही प्रोसेस कर देंगे ऑटोमेटिकली वो आपका कन्फर्म हो जाएगा और जैसे यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है मेरे पास उसी तरीके से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा और यहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप ईएमआई पे कर सकते हैं। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय। आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे।